जब हम सब एक घर में रहते हैं, भाई होते हैं, बहन होती हैं, माँ होती है, अब्बा जी होते हैं, उनको जब कोई प्रॉब्लम होती है तो हम लोग कितना कितना फील करते हैं उस चीज़ को। और उसमें मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैं मेरे घर में जब भी कोई प्रॉब्लम होती है, अल्लाह ना करे, तो मैं सबसे आगे होता हूँ अपने घर में। तो पाकिस्तान, पाकिस्तान हमारा घर है, हम सबका। और हमारे होते हुए इतने लोग बेरोजगार हो गए, इतने लोग अपने घर से बेघर हो गए। सैलाब की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें मैं यही कहूँगा कि जितनी कोशिश करें हम सैलाब ज़दगान के लिए, उतनी ही कम है। हम अपने घर में तो कोशिश कर लेते हैं, लेकिन हम लोग बाहर नहीं आते। घर कहाँ है हमारा? पाकिस्तान में। और सबसे बड़ी बात मैं ये कहूँगा कि इतने बच्चे, माएँ, बहनें, लोग जो दरबदर हो रहे हैं, जिनकी अल्लाह उन्हें जनरल सीप करे, जिनकी डेथ भी हुई है बीमारियों की वजह से, उनके लिए भी दुआ करें। ये ईद का मौका है, लेकिन मैं आपसे यही कहूँगा कि ईद तो हम मना रहे हैं, जाहिर बात है ईद हमने मनानी है, और ईद अल्लाह ताला ने हमें खुशियों के लिए दी है। लेकिन इस ईद में प्लीज़ प्लीज़ उन लोगों को मत भूलिए जो घर से बेघर हो गए, जो अपनी ज़िंदगियों से हाथ धो बैठे, जिनके बच्चे, जब मैं देखता हूँ कि वो बच्चे किस तरह रो रहे हैं वहाँ पे, और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने पैसे लिए, चीज़ें ली, लेकिन उन तक नहीं पहुँचाई। उन बच्चों का पूरा हक है, पूरा हक है उन बच्चों का कि वो उन टॉयज़, जितने भी हमने भेजे हैं, जितने भी हमने उनको डोनेट किए हैं, उनका पूरा हक है कि वो उसको एंजॉय करें, उन टॉयज़ को। इतने बच्चों की प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम, और बच्चों को जब प्रॉब्लम होती तो मुझे प्रॉब्लम होती। लेकिन हेल्पिंग हैंड की ये टेलीथॉन है, एंड आई वॉन्ट यू टू कम फॉरवर्ड एंड डोनेट as much as you can.